फॉर्च्यून ने मेटालिक फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया है। कुछ वक्त पहले गृह मंत्रालय में शिकायत की गई थी कि फैक्ट्री ने अवैधानिक तरीके से 200 मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका भेजा था और दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों को बधुआ बनाकर कोल माइंस में काम किया जा रहा था और फैक्ट्री ने गृह मंत्रालय के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन जांच के बाद ही पूरा मामला अब सामने आ पाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी, हमारा वहाँ स्टील प्लांट है और जैसे यहाँ पे TMT स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं तो सेम प्लांट वहाँ पे भी है, तो कोल माइंस का तो कहीं जिक्र ही नहीं। धरसीवा पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 370, 10, 24, 25 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज हो गया है। मामला दर्ज होने के बाद अब इस मामले में कंपनी प्रबंधन का यह कहना है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया वह निराधार है। खबर दुर्ग